केंद्र सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन कर सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया। वहीं अब जहां सभी प्रतिष्ठान अनलॉक के चलते प्रारंभ हो चुके हैं, वहीं शासन ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यालय आज से खोलने के आदेश दिए। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा भी SOP जारी किया गया, इसमें स्कूलों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों में प्रवेश और पढ़ाई की गाइडलाइन इस प्रकार दी गई है। स्कूलों में प्रवेश से पहले विद्यार्थी को माता पिता की लिखित सहमति का पत्र देना होगा। गेट पर सहमत पत्र दिखाने के बाद ही विद्यार्थियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को 2-2 घंटे के स्लॉट में बांटा गया है। यहाँ विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए स्लॉट के अनुसार आंशिक रूप से कक्षा में अपनी शंका दूर कर सकेंगे। विद्यार्थियों को टिफिन लाने की मनाही होगी, साथ ही पानी की बोतल वो ला सकते हैं। विद्यार्थियों का एक बैच स्कूल में अधिकतम 2 घंटे ही रहेगा। इन विद्यार्थियों के जाने के बाद दूसरा बैच प्रारंभ होगा। यह समय स्कूल प्रबंधन ने अपने अपने हिसाब से तय किया जाएगा। जबकि विद्यालय प्रबंधन स्कूल ट्यूशन फीस ले सकेगा, परंतु जो विद्यालय कंटेनमेंट जोन में है वहाँ पर विद्यालय बंद रहेंगे। प्रस्तुत जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आर.एन. पटेल से जानकारी के अनुसार। सर, आज से ये स्कूल वगैरह चालू हो गई है, तो इसके लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं और कैसे पालन कराया जाएगा? शासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें अभी तो ये बात कही गई है कि नियमित कक्षाओं का संचालन नहीं करना है। जो बच्चे स्कूल गाइडेंस के लिए आना चाहते हैं, उन बच्चों को अभिभावक की परमिशन से आ सकते हैं। उनके लिए विद्यालय अपनी अलग व्यवस्था करेगा। प्रवेश के समय बच्चों को सैनिटाइज करने के लिए पानी और साबुन तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था करेगा। मास्क बच्चे लगा के आएंगे। 6 फीट की दूरी में बच्चों को रखना है, इसलिए छात्रों की संख्या के अनुसार उनको बैठने की व्यवस्था करना है और कक्ष को सैनिटाइज भी करना है। कौन सी कक्षा से चालू होंगे बच्चों का भी दिया गया कब से? कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए अभी परमिशन दी गई है कि बच्चे स्कूल में आ कर के और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। स्कूल रन नहीं करेगा, मतलब कक्षाओं का संचालन नहीं करना है, पर उनको कोई समस्याएं हैं तो छात्र टीचरों से शेयर करें। सर, स्टाफ कितना? स्टाफ के लिए 50% का निर्देश हुआ है कि प्रत्येक दिवस जो हमारी स्वीकृत संख्या है इस विद्यालय की, उससे 50% संख्या में स्टाफ को आना है। सर, कंटेनमेंट जोन में जो स्कूल है उनके लिए क्या गाइडलाइन? कंटेनमेंट जोन के लिए अभी उसके लिए प्रतिबंधित किया है, उसको नहीं आना है वहाँ पर जब तक कंटेनमेंट में रहेगा। फीस का भी कुछ ना कुछ इशू है, तो उसमें क्या चीज़ें चल रही थी? फीस के लिए शासन ने बड़ा स्पष्ट निर्देश जारी किया है और हाई कोर्ट से भी ये निर्देश जारी हो गए हैं कि केवल विगत वर्ष जो ट्यूशन फीस ली जाती थी वही ट्यूशन फीस ली जाएगी, उसके अलावा अभी कोई फीस नहीं ली जाएगी।